देख रहे ना, लग रहा ना हम बिल्कुल मार्केट जैसा ही, और मार्केट जैसा ही नहीं, मार्केट से भी अच्छा और टेस्टी। आप इसे घर में एक बार बनाएंगे ना, तो फिर मार्केट का खाना भूल जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट घर में बनता है और शुद्ध भी बनता है। मार्केट में जानते हैं फेस्टिवल के टाइम में बहुत ही मिलावटी मिठाइयाँ आती है, तो घर में तो आप इसे शुद्ध बना ही सकते हैं और बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे 2 कप पहले काजू ले रहे हैं। तो काजू को यहाँ पे ना हमें फ्रेश ही लेना है। तो काजू को पहले हमने देख लिया है, इसमें जो भी गंदा वगैरह था उसे हटा लिया है। उसके बाद ना इसका पाउडर बनाएंगे। तो इसे पीसने के लिए भी ना एक बार में इसे मिक्सी को चलाना नहीं है, पल्स मोड पर इसे चलाना चलाना है रोकना, चलाना है रोकना। उसी तरह से हमें पूरे काजू को पीसना है। अगर आपसे एक बार में ये ना पीसे तो आप इसे थोड़ा थोड़ा करके भी पीस सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसका पाउडर बन जाता है। तो हमने यहाँ पे ना इसका पाउडर तैयार कर लिया है, देख रहे हैं बिल्कुल फाइन पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इसे चाहे तो छान भी सकते हैं, लेकिन बिना छाने भी काजू कतली बना सकते हैं, क्योंकि जब ये चीनी में आप इसे डालेंगे ना तो ये अपने आप सारा मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ हमने 2 कप काजू के लिए 1 कप चीनी लिया है। जितना इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना काजू रहेगा उसका आधा चीनी, और जितना चीनी उतना ही पानी लेंगे हम इसमें। तो 2 कप काजू था तो 1 कप चीनी 1 कप पानी हम लिए हैं। और इसके बाद इसे इसमें हमें ना 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को मेल्ट होने तक ही पकाना है। यहाँ पे चीनी अच्छी तरह से पानी में मिल गया है, उसके बाद काजू का पाउडर हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों इस मिठाई को बनाने में बिल्कुल ही मेहनत नहीं लगती है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और डालने के बाद इसे ना लगातार चलाएंगे। गैस का फ्लेम ना यहाँ पे आप मीडियम कर दीजिएगा या लो कर दीजिएगा, तेज़ पे ये चिपकने लगता है। और नॉन स्टिक कढ़ाई हो तो कोई बात ही नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर ऐसे भी जनरल कढ़ाई हो तो भी आप उसे चलाते हुए, लगातार चलाते हुए पकाइएगा तो ठीक से बन जाएगा। और थोड़ी देर में ही ये गाढ़ा होने लगता है। और आपको काजू कतली में इलायची का टेस्ट पसंद हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा डाल सकते हैं। मुझे तो काजू कतली में ना काजू का ही टेस्ट अच्छा लगता है, इलायची का नहीं, इसलिए मैं इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ। और इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी भी हमें 1 चम्मच से ज़्यादा इसमें नहीं डालना है। 1 चम्मच से आप कम चाहें तो आधा चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और इसे लगातार चलाते हुए ही पकाएंगे। देख रहे हैं धीरे धीरे कितना गाढ़ा हो रहा है। जब ऐसा हो जाए तो गैस हम बंद कर देंगे, उसके बाद भी इसे थोड़ी देर चलाते हुए ठंडा करेंगे, जिससे नीचे चिपकेगा नहीं। और जब ये इतना गाढ़ा हो जाए तो इसे हम किसी बटर पेपर पे या प्लास्टिक शीट पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं प्लास्टिक का शीट ले रही हूँ, इस पर थोड़ा सा घी डालकर इसे घी से ग्रीस कर लेंगे, जिससे ना प्लास्टिक में काजू चिपकेगा नहीं। दोस्तों देख रहे ना कितना आसानी से बन रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। और काजू कतली तो पूछिए नहीं, बच्चों का खेल है इसे बनाना, बहुत ही आसानी से बन जाता है। लोगों को लगता है कि बहुत ही मुश्किल है काजू कतली, नाम सुन के नहीं बनाते हैं, लेकिन घर में जब आप इसे बनाइएगा ना तो बहुत ही आसानी से बन भी जाएगा और शुद्ध भी बनेगा। तो आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो सारे काजू के पेस्ट को हमने यहाँ पे निकाल लिया है। और इस समय ना बहुत गर्म होता है, इसे हाथ से मत छुइएगा, नहीं तो हाथ जलने का डर रहता है। थोड़ा सा हाथों पे घी लगाकर इसे हल्का सा छुरा लेंगे, नहीं तो हाथों में चिपकने लगेगा।
उसके बाद इस प्लास्टिक शीट से ही ना उलट पलट हम करेंगे, जिससे यह ठंडा होने लगेगा। थोड़ी देर ऐसे ही उलट पलट करते रहेंगे तो अच्छी तरह से यह ठंडा हो जाएगा। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो इसे थोड़ा सा हाथों से भी सेव दे देंगे हम, और इसे बेलन से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। तो बेलन पे भी घी पहले से लगा लेंगे, जिससे बेलन में चिपकेगा नहीं, और ठीक उतना ही रखिएगा जितना आपको पसंद है। मैं इसे इतना ही ठीक रख रही हूँ, जितना मार्केट में मिलता है ना काजू कतली उतना ही। और इसे हाथों से स्क्वायर शेप देंगे। तो दोस्तों, कौन कौन लोग हैं जो पहली बार इस मिठाई को ट्राई करना चाहते हैं, मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे भी बहुत खुशी होगी। देख रहे हैं इसकी थिकनेस इतना है। उसके बाद इसके ऊपर ना थोड़ा सा हम सिल्वर वर्क लगा देंगे। ऐसे तो मैं घर में हमेशा बनाती हूँ, लेकिन सिल्वर वर्क का यूज नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बना रही हूँ ना, इसलिए दीपावली में तो थोड़ा सा मैं इसे लगा दे रही हूँ, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा, मार्केट के जैसा ही लगेगा। खाने में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 1 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे सेट हो जाएगा। 1 घंटे के बाद मैं इसे कट करके आपको दिखा रही हूँ। देख रहे हैं आप कितना सेट हो गया है, थोड़ा सा हार्ड भी हो गया ना, पहले लग रहा था कि मतलब बहुत ही गीला था ये। अब इसे कट करके हम बर्फी का शेप दे देंगे। तो चलिए, काजू कतली खाने के लिए रेडी है। आप भी इसे एक बार ट्राई कीजिए, देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है, एक बार घर में बनाकर तो देखिए आप। तो दोस्तों, मैंने तो अभी बना लिया, दीपावली में फिर बनाना पड़ेगा, दीपावली तक तो ये बचेंगे नहीं। लेकिन आप सबके साथ इस रेसिपी को शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी चाहें तो इसे घर में बना सकते हैं। तो चलिए, वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। और बचे हुए पीस को भी आप आराम से खा सकते हैं।